हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम देखेंगे जो DEC का असाइनमेंट है उसके बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे कि असाइनमेंट आपको कौन कौन से करने हैं। यदि आप जनवरी सेशन में आपने एडमिशन लिया है DEC के लिए, तो उनके लिए ये असाइनमेंट रहेगा क्वेश्चन पेपर, प्लस जनवरी के 2021 में जो जुलाई में लेंगे उनके लिए भी यही क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों के लिए ये है, दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगी। यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर। और यदि आपने प्रोजेक्ट फाइल बनानी है DEC की, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, डेमो बना के दिखाया है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, तो उसमें से ये क्वेश्चन से रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। और यदि आपको फाइल देखनी है तो फाइल की मैंने वीडियो बनाई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी उसका लिंक, डायरेक्ट आप उसे देख सकते हैं। और मैंने उसमें कौन कौन से फॉर्म अटैच करने हैं वो भी मैंने बताया, और लॉकडाउन में आपको किस तरीके से फाइल बनानी है उसकी भी PDF वगैरह भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगी, तो वो भी देख लीजिएगा। प्लस आपको यदि उसकी जानना है उसके बारे में, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं DECE प्रोजेक्ट फाइल करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा असाइनमेंट है उसमें ये रूल है कि आप असाइनमेंट के बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, इसलिए कंपलसरी है आपको एग्ज़ाम के पहले असाइनमेंट जमा करना। और वो आपको कहाँ जमा करना होगा, आपने जो भी स्टडी सेंटर डाला होगा वहाँ पे आपको वो सबमिट करनी होगी असाइनमेंट की जो फाइल है वो। और चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ सत्री कार्य से संबंधित बातें, आपको किसी की कॉपीराइट नहीं करनी है, किसी का लिखा हुआ नहीं लिखा भेजना असाइनमेंट, आपको अपने से ही असाइनमेंट बनाना है और अपने तरीके से ही उसे अच्छे से लिखना है। और किस तरीके से इसके जो फर्स्ट फ्रंट पेज होता है उसे कैसे आपको लिखना होगा वो भी मैं एग्जांपल्स के तौर पे लेके आऊँगी वीडियो दूसरी, उसमें मैं अच्छे से बताऊँगी कि कैसे कैसे आपको ये जो फ्रंट पेज है उससे मेंशन डेकोरेशन करना है या कैसे बनाना है, तो वो भी लेके आऊँगी मैं, वो दिखाऊँगी कि मैं डेमो भेजूँ, मतलब वीडियो बनाऊंगी डेमो का कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाने हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें अटैच करनी है, किस तरीके से करनी है। तो चलिए इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, आपको सत्री कार्य करने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। उत्तर प्रश्न के पहले पृष्ठ के दाएं सिरे पर अपने नाम, मांगन संख्या, एनरोलमेंट नंबर, नाम, पूरा पता और दिनांक अवश्य लिखें। अपने उत्तर के पहले पृष्ठ के मध्य भाग में पाठ्यक्रम का नाम, सत्री कार्य का कोड और उस अध्ययन केंद्र का नाम भी लिखें जिसमें आपने समृद्ध है। ओके, तो इस तरीके से बनाना है, ये मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं असाइनमेंट के। तो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर है असाइनमेंट का, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा है। क्वेश्चन पेपर ये है आपका, अध्यापक जो हैं, ये क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन जो असाइनमेंट है आपके इसमें तीन बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का प्रोजेक्ट फाइल है आपकी जो आपको सबमिट करने होंगे। उसके बिना आप जब तक प्रोजेक्ट फाइल नहीं सबमिट करेंगे तब तक आपको वो रिपोर्ट, वो डिप्लोमा नहीं मिलेगा। और यदि आप असाइनमेंट नहीं जमा करेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम नहीं दे सकते आप, तो इस बात का ध्यान रखिए। और इस चीज़ की मतलब इस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपका लॉकडाउन में प्रॉब्लम है कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि लॉकडाउन में हम कैसे असाइनमेंट प्रोजेक्ट फाइल बनाएं, तो इग्नू ने गाइडलाइन भेज रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप बनाना चाहते हो तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो अपनी फाइल और सबमिट कर सकते हो। और यदि नहीं बनाना चाहते हो, जब ओपन स्कूल आप सोचते हो ओपन होंगे तब आप बनाओगे, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3 साल का पूरा साइन मिलेगा, तो आप उसके 3 साल में आप प्रोजेक्ट फाइल को कभी भी सबमिट कर सकते हो बना के, तो इस चीज़ का हेडक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट के लिए आप यदि इसी साल में आपको एग्ज़ाम देना है, आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है जनवरी में ये 2021 की, तो इसके लिए ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है, इस बात का ध्यान रखें। तो उनके लिए, और जो जुलाई में लेंगे और दिसंबर का है तो उनके लिए भी है। तो देख लेते क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, जनवरी 2021 सत्र के लिए जमा कराने की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2021। तो ये जैसे बताया जनवरी सेशन के जो सत्र है उसमें एडमिशन लिया है, तो आपको 30 सितंबर तक आपको अपना असाइनमेंट जमा करना होगा अपने जो आपने स्टडी सेंटर लिया है वहाँ पे जाके।
और जो जुलाई में ले रहे हैं उनके लिए अंतिम जो तिथि है मार्च है, 30 मार्च। तो इस तरीके से आप जमा करोगे और क्वेश्चन पेपर यही रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारे 3 हैं क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट का इसमें आपको सभी प्रश्न करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन जो है आपके 5 हैं टोटल, देखिए 5 है 6 है, 6 क्वेश्चन है, 5 नहीं है सॉरी, सभी क्वेश्चन करने हैं। तो 6 क्वेश्चन हैं आपके। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरीके के आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन हैं आपके दिए हुए हैं, क और ख करके। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के दौरान स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उभरने का क्रम बताइए। ये आपके 500 वर्ड में लिखना है, ठीक है। आगे आपका है 5 नंबर का क्वेश्चन है, आगे है 4 वर्ष के बच्चों में निम्नलिखित प्रत्येक के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक एक क्रिया का वर्णन कीजिए। ये 300 वर्ड का आपको लिखना है और टॉपिक दिए हुए हैं लेखन पूर्व कौशल, सृजनात्मकता, ये परोपकारिता और समानुभूति से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर का क्वेश्चन है का, और सेकंड है हमारा ख नंबर, जो पारिवारिक परिवेश के वे कौन से पहलू हैं जो इसके विकास में मदद करते हैं, ये है। और तीसरा है हमारा, मान लीजिए आप एक सालापुर केंद्र में शिक्षिका हैं, बच्चों के प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे, उनमें से किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन का। और ख है हमारा, सालापुर केंद्र में भीतरी स्थान का मूल्यांकन करते समय आप किन बातों का ध्यान में रखेंगे और उसे बताइए। तो ये भी 500 का है। छोटे बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का जो चयन है करते समय आप किन पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। शाला पूर्व शिक्षा के संदर्भ में कहा जाता है कि बच्चों को खोजबीन करने और स्वयं चीज़ों के बारे में पता लगाने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। शाला पूर्व शिक्षिका को बच्चों के खेल क्रियाओं की संरचना करनी चाहिए और जो खेलते समय उनका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। आपके विचार में ये दोनों जो कथन है दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, अपने शब्दों में पुष्टि के लिए तर्काधार व उदाहरण दीजिए। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है और 800 वर्डों में लिखना है। तो इस तरीके से ये थर्ड जो 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें 3 क्वेश्चन है आपके दिए हुए हैं, 5 5 नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो विकास की निर्णायक अवधि, जो अवधियां हैं उनके बारे में, नवजात की क्षमताएं और योग्यताएं, बाल देखभाल केंद्र की क्रियाओं में अभिभावकों को सम्मिलित करने के तरीके, तो ये हैं। वो एक खा नंबर है, ये 20 नंबर का है, किस तरीके से है। इस भाग में आपको बच्चों के अवलोकन से संबंधित कोई भी एक अभ्यास करना है। DEC की प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में वर्णित 4, 6 और 7 अभ्यासों में से कोई एक अभ्यास करने तथा इसे मूल्यांकन हेतु परामर्शदाता हैं उनको भेजें। यदि आप तीनों ही अभ्यास करते हैं तो आपके लिए उपयोगी होगा कि इसका आपको बच्चों का अवलोकन करने, अपने अवलोकन को रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण करने का अभ्यास होगा। इसके पश्चात आप जो अभ्यास कर सबसे अधिक अच्छा लगे उसे मूल्यांकन के लिए भेजें। यहाँ पे से आपको देखिए किस तरीके से करना है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं अभ्यास 4 अभ्यास 6 अभ्यास 7, इसमें से आपको एक करना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 6 और 7 अभ्यासों में से कोई एक अभ्यास आपको करना होगा। तो इसमें से आप जो कोई भी चुन सकते हैं जो आपको इजी लगे। बच्चों तथा माता पिता का अवलोकन करना तथा उन अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, अवलोकनों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष लिखना। आगे है बच्चों का अवलोकन करना तथा अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, अवलोकन का विश्लेषण तथा निष्कर्ष लिखना। और तीसरा हमारा जो है 7वां नंबर, मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित क्रियाएं आयोजित करना तथा अवलोकनों को रिकॉर्ड करना, मिलाने तथा संरक्षण से संबंधित अवलोकनों का विश्लेषण और निष्कर्ष करना। तो इस तरीके से है। ग नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक भाग में आपको बच्चों के लिए खेल क्रियाओं की योजना बनाने और उसे आयोजित करने संबंधी कोई भी एक अभ्यास करना होगा। DEC की प्रयोगात्मक कार्यों की नियमावली में
वर्णित 5, 8 और 9 अभ्यासों में से कोई एक अभ्यास करें तथा इसके मूल्यांकन हेतु परामर्शदाता को भेजें। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, ये आपको तीन ही जो अभ्यास दिए हुए हैं उसको, या यदि आपको उपयोगी लगता है तो उसमें से आप अपने बच्चों का अवलोकन करते समय अपने अवलोकनों को रिकॉर्ड करने तथा विश्लेषण करने का अभ्यास होगा। इसके पश्चात आपको जो अभ्यास सबसे अधिक अच्छा लगेगा उस मूल्यांकन के लिए भेजें। अभ्यास के अंक संदर्भित निर्देशों के द्वारा कुछ इस प्रकार हैं। तो आपके तीन अभ्यास दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक करना है, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, शिशु के साथ बनाए खिलौने के साथ खेलना और अवलोकनों को रिकॉर्ड करना है, खेल क्रियाओं का मूल्यांकन करना और निष्कर्ष लिखना है, दो जो खेल क्रियाओं की योजना बनाना, दो क्रियाएं आयोजित करना तथा उनका विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना। दूसरा हमारा जो तीसरा नंबर का है क्वेश्चन अभ्यास है वो है त्यौहार का वर्णन करना, कमरे को पुनः व्यवस्थित करने के सुझाव देना, सप्ताह भर की क्रियाओं को अनुसूची बनाना और क्रियाओं का संक्षिप्त विवरण देना। तो ये है हमारा, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से ये पहला जो सत्र है, पहला जो असाइनमेंट है ये कंप्लीट होता है। तो ये 100 मार्क्स का है, देखिए मैं ऐड करा दूँ, तो इस तरीके से 100 मार्क्स का है। ये हमारे हो गए, यहाँ पे टोटल हमारे जो मार्क्स हैं 60 का है, खा हमारा 20 का है और ये गा हमारा 20 का, तो 100 हो गए इस तरीके से। सेकंड पेपर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगली वीडियो फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉच।